जाएं जाएं और जाएं और जाएं और जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे थे सोने तो मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी दोस्तों, आज फैसल भाई जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं और टूर पर हैं, उनकी पहली वीडियो भी आपने देखी जो कि आपने पथरियाटा के हवाले से उन्होंने अपलोड की थी, और आज की वीडियो वो समुंदर कट्ठा झील जो कि गलियात का एक खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम किसी दौर में हुआ करता था, वहाँ का विज़िट किया, दिखाएंगे कि कभी वहाँ पर जो खूबसूरत झील थी अब वहाँ का क्या हालात हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि वो हमें वहाँ पर क्या कुछ दिखा रहे हैं और वहाँ के क्या नज़ारे हैं और वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। इस वक्त भी वहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, टाइम गुजारने के लिए, खूबसूरती है, हुसन है, कितना कुछ है, आए देखते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को बटन भी ऑन करें। हम आपको सारा इसका रास्ता भी दिखाएंगे और बताएंगे कि ये रोड से कितने फासले पर है और क्या सीन है इसका। ये समंदर कट्टा झील की तरफ और समंदर कट्टा गाँव की तरफ रोड जाता है, ये नीचे ये रोड है सारा, ठीक है। और ये बेसिकली एबटाबाद रोड है जो नथिया गली से एबटाबाद की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके साथ ही ये रोड नीचे उतरता है और ये रोड नीचे की तरफ जा रहा है चट्टागट्टा गांव की तरफ और चट्टागट्टा झील की तरफ। ये देखें और यहाँ पे पर्सनल की गाड़ियाँ भी होती हैं। हम लोग सही है भाई, आप क्या लेते हैं चार्जेस नीचे ले जाने के? 3000 में लेते हैं आने जाने का, उसमें दो चार्ज। अच्छा, वापस ले जाते हैं। सही सही, अगर हमारे मलिक साहब की रेफरेंस से कोई आए तो कोई डिस्काउंट वगैरह भी देंगे? नहीं देंगे, 500 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। चलें भाई, आपका गुड नेम? इब्राहिम। इब्राहिम भाई, जबरदस्त। और गाड़ी आपकी कौन सी है? बोलान। बोलान गाड़ी है आपकी। बस भाई, जिसको भी आना हो सही है तो आ जाए, ये बुलान गाड़ी है भाई की और ये भाई आपको लेके जाएंगे चट्टागट्टा समंदर, ये झील जो है वो दिखाएंगे सारा और सारा विजिट करवाएंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। दोस्तों, फैसल भाई और उनकी फैमिली का सफ़र शुरू हो चुका है, वह समुंदर कट्टा झील की जानिब जा रहे हैं और किसी दौर में यहाँ पर सयाहों का बहुत ज़्यादा रश होता था जब झील पूरे अपने अरूज पे थी। और मैं जब की तब बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर झील नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक बरसाती नाला है और एक आबशार सी बनी हुई है, और वो भी वही है कि जो उस वक्त उस झील के आगे बंद बनाकर जो जहाँ से पानी गिरा जा रहा था उसी में से थोड़ा सा आपको सीन नज़र आएगा। बाकी वीराना है हर तरफ और वो खूबसूरती नहीं रही है जो किसी दौर में थी। जी हाँ, यहाँ पर एक खूबसूरत झील हुआ करती थी, ये उसी का रास्ता है जब वहाँ पहुँचेंगे देखेंगे, जिसे समुंदर कट्ठा झील कहा जाता था। ये वही पानी है जो नीचे आ रहा है और इसकी खूबसूरती इतनी थी कि देखने वाला एक दफ़ा हैरत में मुब्तला हो जाता था कि इतना खूबसूरत नज़ारा गलियात में, क्योंकि मरी और नथिया गली में जहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा हुसन है, वहाँ पर एक चीज़ की कमी ज़रूर है कि वहाँ पर बहते दरिया और पानी के चश्मे हमें बहुत कम नज़र आते हैं। हाँ, किसी दौर में मरी और इसकी गलियात में जा बजा पानी के चश्मे बहा करते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ वो चश्मे अब नापैद हो चुके हैं। कहीं दूर हमें एक नमली पहरा की आबशार नज़र आती है, इसी तरह एक जन्नत आबशार है, और ये समुंदर कट्ठा की जो झील थी और साथ ये आबशार या नाला या पानी जो भी कह सकते हैं, यानी कि बड़े महदूद मकामात रह गए हैं। ऐसे में यहाँ 2018 की बात है या 2019 की कि यहाँ पर एक झील बनाएगी और ये गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई थी और उसमें इतनी खूबसूरती थी कि देखने वाले वाकई दंग रह जाते थे कि ये भी खूबसूरत जगह है। रास्ता तब भी यही था, ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, लेकिन इस जगह पर जाने वालों में एक जो लोग वीडियोज़ उस वक्त की देख के आते हैं तो फिर कमी तो नहीं हुई, उस तरह एक जनरल एक जोर टूट चुका है जाने वालों का, यहाँ आने वालों का। लेकिन एक अभी भी जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि फैसल भाई उनकी फैमिली हैदराबाद से आई है,
तो वो ज़रूर समुंदर कट्ठा झील को एक दफ़ा देखने के लिए आ रहे हैं। शायद इन्हें भी ये नहीं मालूम होगा कि जिस खूबसूरती को वो देख के आए हैं वो अब नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो ज़रूर जब आ गए तो उन्होंने हमें वीडियोज़ भी बना के भेजी हैं, तो बुलाओ उनका असल आपका शुक्रिया कि आपने वीडियो बना के भेजी और हम भी आप दिखा रहे हैं। अगर कोई उकाम बाला देख रहा है तो ज़रूर इस पर नज़रसानी करें कि इतना खूबसूरत आपने सीन मिस कर दिया है और आप जो आने वाले हैं वो इससे महरूम हैं। तो अगर हो सकता है तो दोबारा इसको बहाल किया जाए और इसकी खूबसूरती और इसके हुसन को देखने के लिए फिर दुनिया बड़ी दूर दूर से आएगी। मुझे पता है कि हुकूमत कोशिश करती रहती है टूरिज़म के लिए, तो ये कोशिश है यहाँ करनी चाहिए, यहाँ इसकी खूबसूरती को और यहाँ इस दोबारा इस झील को बनाकर दोबारा इस पॉइंट को आबाद करना चाहिए। अभी चलते हैं, देखते हैं कि इकबाल भाई और उनकी फैमिली हमें वहाँ से जो उन्होंने सीन देखे हैं क्या कुछ बता रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं फिर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मलिक साहब, हम लोग आए हैं समंदर कट्टा पे, समंदर कट्टा का इलाका। पहले यहाँ सारी झील थी, लेकिन देखें सैलाब के बाद कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। ये देखें सारी झील यहाँ ख़त्म हो चुकी है और लोकेशन तो खैर बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है जी। और ये सैलाब के बाद सारा नुकसान हुआ है और ये सब देखें, यहाँ पे झील थी एक बड़ी, वो सब ये ख़त्म हो चुकी है और देखें सारा ये टूट चुका है ना एरिया, सब ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मलिक साहब, देखें जैसे हमारे बच्चों ने यहाँ ट्राउट पकड़ी है और यहाँ पे ये अपना समंदरी कट्टा पे ये ट्राउट्स भी हैं यहाँ पे। हमने छोटी छोटी 5 ट्राउट पकड़ी है, बच्चों ने मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये देखें। और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि ये पानी बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ पे ये छोटी छोटी ट्राउट्स हैं क्योंकि अब झील तो ख़त्म हो गई। और ये देखें, ये हमारे ड्राइवर साहब और हमारे बच्चे ट्राउट पकड़ने में मसरूफ़ हैं, ट्राउट पीछे पकड़ने हैं। ये देखें, ये हमने पकड़ी है इसे, ये देखें छोटी छोटी ट्राउट 5 पकड़ी है। और ये देखें जी दोस्तों, ये फैसल भाई उनकी फैमिली इंजॉय कर रही है। ये शायद उन्हें मुकामी लोगों ने बताया कि ट्राउट है, लगे ट्राउट नहीं है, नॉर्मल मछलियाँ हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये होटल वालों ने खुद ही छोड़ी हों या पीछे से कोई छोटी मछलियाँ आ गई हों। वैसे मेरे ख्याल में इन मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए, और लेकिन बच्चे हैं चले इंजॉय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अमूमन यही तासर होता है कि इस तरह ये इनका सीज़न होता है, इस वक्त शायद बच्चे दिए होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कि ये कोई मछली कहीं से आ रही हो या पीछे से या किस तरह का सीन हो। इसके बारे में तो मुझे ना कोई मालूमात हैं और ना मुझे भेजी गई हैं ताकि मैं इस पर बात करूं। बात करेंगे झील के ऊपर और इसके पानी की शफाफियत पे, देखें कि कितना साफ़ सुथरा ये पानी है और यहाँ पर आलात भी साफ़ सुथरे हैं। उसकी शायद वजह यही है कि अभी सीज़न नहीं है, रश नहीं है, तो पानी साफ़ सुथरा है। अदरवाइज़ जब गर्मियों में यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक तो पानी होता भी कम है, या पानी अगर हो भी तो उसके आलात ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बैठना तो दूर दरकनार के बड़ी मुश्किल से, इतनी स्मेल होती है कि बैठा भी नहीं जाता है। ये ऐसा इसका प्रीवियस स्ट्रिप था। बाकी ये झील ख़त्म क्यों की गई, इसकी खूबसूरती जो कि थंबनेल में मैंने दिखाई है कि इतनी खूबसूरत झील थी और इतना ये साफ शफाव जो पानी, अभी आप मोबाइल के आप इससे देख रहे हैं, एक्चुअल जाके वहाँ पे देखें तो कितनी खूबसूरत जगह होगी। क्यों ख़त्म की गई इसके बारे में अगर किसी को मालूम है तो ज़रूर मुझे बताएं, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं इल्म हो सका कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस को यहाँ पर ख़त्म किया गया। क्या यह मुकामी लोगों की वजह से ख़त्म किया गया, जो कि फैसल भाई बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि कोई ऐसा सैलाब आया हो और यहाँ से ये झील ख़त्म कर दी गई हो, ऐसा सीन नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये मुकामी लोग शायद इसकी वजह से खुश नहीं थे, या कोई और सीन था, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी थी जिनकी वजह से इस झील को ख़त्म किया गया। क्योंकि सुनने में मेरे एक दफ़ा आया था कि यहाँ इसका जो बंद बनाया गया था उसको किसी ने नुकसान पहुँचाया था, उसके बाद ये झील ख़त्म कर दी गई थी ताकि ये ना हो कि कोई बड़ा नुकसान आके हो जाए। अब या झील का बंद नाकस बना हुआ था, ये बार मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर दुख है कि इतना खूबसूरत मुकाम ख़त्म कर दिया गया। अगर दोबारा से ये बन सकती है झील, तो इतना पानी ज़ाया हो रहा है तो झील बना दी जाए और इससे कोई फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।